वो टायर को आवा भरना था यार। यहाँ पे ना बारिश बहुत ज्यादा गिर रही है, इसी बारिश में हमने रास्ता त्रपाल किया। आप ड्राइवर दो दिन आ गए बेचारे हरमैन के और कुछ अपने साइड के गाड़ियां लेके, तो बारिश इतनी ज्यादा गिर रही थी, उन्होंने अभी मदद किया थोड़ा सा, बोला हम मदद करेंगे रास्ता त्रपाल करने में। ये देखो पानी, ये पसीना नहीं, पानी उतर रहा है पसीने के साथ। ये देखो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह देखो कितनी ज्यादा खूबसूरत मस्जिद है यहाँ पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और खुश रखे। मैं आपका अपना भाई कैमर इशफाक। अगर आप लोग मेरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हम लद्दाख से आ गए, फिर दो तीन दिन रुके घर में, तो आज चौथे दिन हम जा रहे हैं लोड करने के लिए। तो अभी जाना है हांगर और यमरेश, दो तीन जगह से लोडिंग करनी है लखनऊ के लिए। फिलहाल मैं जा रहा हूँ लोड करने के लिए खुद, और मेरे को आज गाड़ी के साथ खुद नहीं जाना है, तो आप लोगों को दिखाएंगे कहाँ कहाँ से लोडिंग करना है और कितना माल भरना है, वो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके जाना। बस अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, फिर निकलेंगे यहाँ से। ये देखो ये अपना घर, और ये ईट की एक गाड़ी लाई थी ऊपर टॉप फ्लोर पे, और बस मैं चलूँगा गाड़ी पे, गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, फिर निकलेंगे यहाँ से लोडिंग के लिए। वो टायर को हवा भरना था यार भाई, टायर को हवा भरना था यार थोड़ा सा। आज तकरीबन 5 दिन के बाद अपनी गाड़ी स्टार्ट की, क्योंकि हमें जाना है लोड करने के लिए हांगर यमरेश, वहाँ से लोडिंग करनी है। कोई पता नहीं लखनऊ का है या कानपुर का, तो आगे जाके पता चलेगा। कल यार भाई ने सारा बर्तन वर्तन जो धोए थे घर वालों ने बुलाए। तो देखो ये है अपना घर, तो मेरे को नहीं जाना है आज, तो आज मैं ड्राइवर को भेजता हूँ, मेरे को घर में काम है। बस मैं लोडिंग के लिए जा रहा हूँ, खुद लोड करके आएंगे, फिर वो ड्राइवर जाएगा। तौसिफ भाई तो निकल गए हम घर से लोडिंग करने के लिए, तो गाड़ी 5-6 मिनट स्टार्ट रखी और बस निकल गए। वो ट्रांसपोर्ट वाला फ़ोन पे फ़ोन करा, बोला जल्दी करो। तो अभी ना फ्रंट वाला टायर जो है राइट साइड में, उसमें हवा कम है, बस हवा भरेंगे कांचीपुरम में, फिर आराम से जाएंगे, क्योंकि लोड करने के बाद उसको ज़्यादा हवा कम दिखाएगा, तो उसी वजह से पहले उसमें ना हवा भरेंगे। तो सुबह की सर्दी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड है, सुबह सुबह ऐसा ठंड नहीं है जैसा वहाँ पे था, कहाँ पे मिनमरग में ऐसा ठंड नहीं है, थोड़ी सी ठंड है, सुबह सुबह ठंडी लग जाती है। अभी ना मैं यहाँ पे बाइक के पास रुका हूँ, और ये फ्रंट वाले टायर में ये देखो इसमें हवा बहुत कम है, कम से कम 30-40 मिनट हवा कम है इसमें, क्योंकि ऊपर रुका था टायर वाले के पास, उसने बोला मेरी मशीन छोटी है वो बाहर ही निकालेगी भरेगी नहीं। तो सजाद भाई के पास रखा हूँ मैं यहाँ पे टायर को हवा भरने के लिए, फ्रंट वाले टायर में हवा कम हुआ था, कारगिल में इसमें वाली की हुई थी, रास्ते में टाइम ही नहीं आया, तो ये तो यहाँ पे किस्मत था हवा भरने का भाई के पास। देखो अभी टाइम यहाँ पे आ चुका है 9:30 और सर्दी देखो अभी भी लग रहा है 6 बज चुके हैं। लग गई अपनी गाड़ी की लोडिंग स्टार्ट, ये देख सकते हो कहाँ पे हांगर में, चाय हमें गाड़ी में बनाई थी, मगर अभी मैंने चाय लाए, बोला कि आप लोगों ने क्यों बनाई गाड़ी में, चलो यार अभी यहाँ पे चाय पी और लोडिंग स्टार्ट हो गई है। पहली टाल हो गई है कंप्लीट, बाकी का माल आलमगंज और हरम में भरना है, चल रही है लोडिंग अपनी गाड़ी की। ये देख सकते हो अभी हम आलमगंज में लोड कर रहे हैं, ये देखो 3 फीट हाइट की है, वो भी आज लकड़ का भरना है सारा का सारा माल। तो हांगर से हम लोड करके आए, वहाँ से 150 फीट या भर के आए, तो अभी आलमगंज में भर रहे हैं, यहाँ पे 2 जगह भरना है और फिर लास्ट में हरमैन में भरना है सारा माल,
आज केजीआर ट्रांसपोर्ट से गाड़ी लगाई अपनी। तीन पेटी हाइट करनी है, लकड़ का माल है सारा, ज्यादा से ज्यादा 50-60 पेटी होगी गत्ते की, बाकी सारा लकड़ का है। तो आलमगंज में हमारी लोडिंग हो गई है, बस अब हरम जाएंगे लोड करने के लिए। देख सकते हो तो अभी ना हरमेन जाना है अभी, ये देख सकते हो किस रोड पे, ये जो ये वाला रोड है ना, ये सीधे जाता है गाँव इमाम साहब और यहाँ से कुलगाम। तो अभी हरमेन जाना है लोडिंग करने के लिए, टाइम भी बहुत हो चुका है, 12:30 बजने वाले हैं। बस अब यहाँ से निकलेंगे, गाड़ी मैंने स्टार्ट की, निकलेंगे यहाँ से, बाकी की सारी लोडिंग जो है वो है अब हरमेन में। देख सकते हो अभी अपनी गाड़ी की लोडिंग हो रही है हरमेन मार्केट में। तो इनके बज चुके हैं 3, अभी हमने होटल पे खाना खाया, 4 बजे को मैंने बोला आप लेट हो गए, आप कहाँ से बनाएगा, 4-5 बजे फिर तैयार हो जाएगा। तो अभी हमने होटल से ही खाया। ये देखो बीच मार्केट में अभी हम लोड कर रहे हैं हरमेन में, आज यही 950 तक आ जाएगी गाड़ी में पेटियाँ, ज़्यादा नहीं आएगी। So guys, अभी ना बज चुके हैं रात के, कितने बज गए भाई, 6:30। यहाँ पे ना बारिश बहुत ज्यादा गिर रही है, इसी बारिश में हमने रास्ता तरपाल किया। आप ड्राइवर 2-3 आ गए बेचारे हरमेन के और कुछ अपने साइड के गाड़ियां लेके, तो बारिश इतनी ज्यादा गिर रही थी, उन्होंने अभी मदद किया थोड़ा सा, बोला हम मदद करेंगे रास्ता तरपाला करने में। ये देखो पानी, ये पसीना नहीं, पानी उतर रहा है पसीने के साथ। तो बस अभी मैंने गाड़ी स्टार्ट की, अब हम निकलेंगे यहाँ से, हरमेन में हम लोड कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा मदद किया इन्होंने हरमेन वालों ने, शुक्रिया, थैंक यू आप लोगों को। सो गाइस हो गई अपनी गाड़ी की लोडिंग कम्प्लीट, ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लोडेड गाड़ी अपनी साइड की। बारिश ना बहुत ज़्यादा गिर रही थी, हालात ही ख़राब हो गई है बारिश से। तो अभी बस अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया, जब हमने लास्ट में रास्ता तरपाला किया था ना डाले को कर रहे थे, तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो गई है। अभी गाड़ी अपनी साइड की, बस अभी मैं जा रहा हूँ बिल्टी लाने के लिए। पाक साहब मौलवी पहुँच गए मैं कंपनी पे, ये देख सकते हो ये कश्मीर गुजरात रोड लाइन्स, ये अंदर से कंपनी। मेरे को सर्दी बहुत ज़्यादा लगी, ये लोग बैठे हैं आराम से, और ये है बाबू। आ चुका है 7:20, अभी हम हरमेन से निकलने वाले हैं, गाड़ी मैंने स्टार्ट की है, बिल्टी वगैरह ले ली है, तो बस निकलूँगा हरमेन से। तो टाइम ना बहुत लेट हो चुका है, और बारिश ही देखो नीचे आपको दिखाई दे रही है, कुछ बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो उसी बारिश में हमने रास्ता तरपाला की, हालात ही ख़राब हो गई है। ये बंद रखो, ये क्यों खुला रखा, चलो चलते हैं यहाँ से, बिस्मिल्लाह मिलेंगे आप लोगों से आगे, फिलहाल मैं यहाँ से निकल गया हूँ। अभी ना हम कांचीकुला पहुँचने वाले हैं, तकरीबन 1-1.5 घंटा लगे आराम से यहाँ तक, क्योंकि जो बारिश गिरी थी ना अभी कीचड़ बहुत ज़्यादा है रोड पर, इसीलिए बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, 2-3 नंबर उतर रहे हैं, ज़्यादा तेज चल नहीं पा रहे हैं क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा है रोड पे, तो अगर ज़्यादा तेज़ चले तो फिर ब्रेक से गाड़ी स्लिप कर सकती है, तो उसी वजह से अभी आराम आराम से चल रहे हैं। कांचीकुला पहुँच गए, अभी टाइम क्या गया और भाई, हाँ बराबर यार 40 मिनट लग गए यहाँ तक हरमेन से यहाँ तक। जावर भाई बैठा है अब इस चक्कर में, अब यावर भाई को खुद चलना है, लगभग 2-3 महीने आपको यावर भाई खुद ही चलना है यार, मैं नहीं आ रहा हूँ, देखता हूँ यार अगर टाइम मिला तो। ये रास्ता राइट में जाता है हरिपुरा, तो ये वाला रास्ता जो है ये जाता है हमारे घर की ओर। ये देखो यहाँ पे ज़ियारत शरीफ, ये यहाँ पे ज़ियारत शरीफ, और वो वहाँ पे मस्जिद शरीफ, मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत मस्जिद शरीफ, जामे मस्जिद कांचीकुला। ये देखो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह देखो कितनी ज़्यादा खूबसूरत मस्जिद शरीफ यहाँ पे। ये देखो ये है कांचीकुला जामे मस्जिद शरीफ,
कितनी प्यारी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो बस ये चढ़ाई हम क्रॉस करेंगे, उस चढ़ाई चढ़ेंगे, पहुंच जाएंगे काटापोरा। तो काटापोरा से निकल के फिर हमारा गांव आता है, सबसे फर्स्ट में मेरा घर आता है अंकल कश्मीर। ये देखो ये काटापोरा, तो बिना रात को घर जाएंगे, सुबह देखते हैं कितने बजे निकलेंगे ये लोग, मैं नहीं जाऊँगा। फिलहाल हम चल रहे हैं घर की तरफ। सो गाइस, दूसरे दिन अभी बज चुके हैं 3, तो अभी हमने गाड़ी स्टार्ट की, बस घर से निकलने वाले हैं। मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि यार भाई को मैं एयरपोर्ट तक साथ जाऊंगा, फिर तेल डाल के भेजेंगे इनको अल्लाह के हवाले, फिर इन लोगों के हवाले, पहले अल्लाह के हवाले फिर इन लोगों के हवाले गाड़ी करते हैं। तो ये देखो अपना घर। फिलहाल मैं थोड़ी देर के लिए बाय बाय करता हूँ घर वालों को, फिर मैं आ रहा हूँ जल्दी एयरपोर्ट से वापस। तो ये देखो यार भाई, और गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है, बस यहाँ से गाड़ियाँ आ रही है, छोटी गाड़ियाँ, उसी वजह से थोड़ा रुकेंगे। देखो आगे से भी ये लोग चल रहे हैं रेडी लेके। तो बस जा रहे हैं घर से, पहुंच गया मैं पंप पे। ये तो देख सकते हो जीटू फिलिंग स्टेशन, और अभी मैं यहाँ पे तेल डाल रहा हूँ। ये देखो अपनी गाड़ी हाइट कितनी है, 4 फीट की हाइट है, वो भी लकड़ की। तो अभी तेल डाल के निकलेंगे यहाँ से, बस यहाँ से तेल डालेंगे और फिर इनको छोड़ेंगे, यहाँ से जाएंगे रॉब के हवाले। चलिए मैंने तेल अभी, ये देखो गाड़ी रेडी है, अपनी फ्लाइट रेडी है। ये देखो जहांगीर भाई, ये देखो मौलवी साहब हमारे ड्राइवर साहब, ये आमिर साहब भी गाड़ी के साथ जाएगा क्योंकि माल इसी का था, ये भी आज गाड़ी के साथ जाएगा। तो बस इनको अब देते हैं इजाज़त, ये जाएंगे रॉब के हवाले। तो चलो यार भाई, जाओ यार रब के हवाले, पहले अल्लाह के हवाले फिर आप लोगों के हवाले। तौसीफ भाई चलो यार जाओ।